नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल, आप देख रहे हैं अनिल मोबाइल टेक्नीशियन चैनल। तो फिलहाल देखिए, आज मेरे पास है रेडमी का 9A मॉडल। ये सिर्फ रेडमी 9A नहीं, 9C में भी सेम यही है। देखिए इसमें चार्जिंग का दिक्कत है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका चार्जिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। हम मीटर को DC 20 वोल्ट पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मीटर का एक क्रॉप ग्राउंड से और उस कैपेसिटर पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है। अब हम इस कनेक्टर पे भी चेक कर लेते हैं, कनेक्टर तक 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो देखिए इस कनेक्टर पे भी यहाँ पे प्रॉपर 5 वोल्ट आ रहा है, यानी कि अपना जो नीचे का चार्जिंग बोर्ड है वो ओके है। हमारा दिक्कत अब कहाँ पे है ये चेक करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक बार बैटरी कनेक्टर पे देख लेते हैं, वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए ये बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो बेल्ट के जो ऊपर है, यहाँ पे जहाँ पे जो मेन बोर्ड पे लगता है, इस बेल्ट पे हम डिस्प्ले के बेल्ट पे चेक करेंगे प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने चेक किया, ये हमारा वोल्टेज नहीं शो कर रहा। तो यानी कि हमारा जो दिक्कत है ये जो डिस्प्ले का बेल्ट है इसमें है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम रियलमी 9A और 9C में यही प्रॉब्लम होता है, हमारा जो ये डिस्प्ले का बेल्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। अगर आपके पास कॉपी डिस्प्ले लगाया हुआ है तो वो मैक्सिमम इसी डिस्प्ले बेल्ट का प्रॉब्लम होता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इस कैपेसिटर के प्लस वाले से हम एक जम्पर उठाएंगे। आप देख सकते हैं जहाँ से मैं जम्पर कर रहा हूँ वहाँ से जम्पर कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक जम्पर उठा लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर के पास पे जो दो टेस्ट पॉइंट दे रहे हैं आपको, वो नीचे वाला इसका चार्जिंग का है। तो हम वहाँ पे उस टेस्ट पॉइंट पे इसको जम्पर कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा शोल्डर वायर और टेस्ट की मदद से यहाँ पे इसको जम्पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं जम्पर कर देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है, पूरा देख लीजिए वीडियो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको जम्पर कर दिया। बस सिंपल सा इतना ही करना है आपको, आपका चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छे से जम्पर कीजिए पेस्ट लगा के शोल्डर से, ताकि ये आपका पैक करते वक्त ये जम्पर उखड़े ना। तो हमने इसको यहाँ पे सोल्ड कर दिया। अब हम इस जम्पर को यहाँ से काट देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम ये बेल्ट को यहाँ पे फिट करके चेक करते हैं हमारा वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है या नहीं, ठीक है ना। देख लिया आपने कहाँ से कहाँ जम्पर मारना है, आपको पता चल गया। तो अब हम इस बेल्ट को लगा के यहाँ पे एक बार चार्जिंग कनेक्टर लगा के यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, हमारा प्रॉपर वोल्टेज बैटरी कनेक्टर तक आ रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे अब चार्जिंग कनेक्टर लगाया। चार्जिंग को प्लग करने के बाद अब हम यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मैं आपको मीटर और मोबाइल दोनों पे दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, अब वोल्टेज हमारा लगभग 3 वोल्ट के आसपास हमारा यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे मिल रहा है, यानी कि अपना जो प्रॉब्लम था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको फटाफट से बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट, बैटरी को कनेक्ट करके देखते हैं हमारा चार्ज शो होता है या नहीं। तो देखिए हमारा अब चार्ज भी शो होने लग गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को